हेलो स्टूडेंट्स, आपका नया टॉपिक शुरू करवाया था पिछले लेक्चर में, बायोटिक कम्युनिटी कंसेप्ट। तो उसका इंट्रोडक्शन मैंने बताया था आपको, डेफिनेशन और उसकी प्रॉपर्टीज़ जो होती हैं कम्युनिटी का, कम्युनिटीज़ क्या है और इसका क्या प्रॉपर्टीज़ होती है। तो लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कम्युनिटी डाइवर्सिटी, ग्रोथ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर, कम्युनिटी डोमिनेंस। नाउ कम्युनिटी स्ट्रक्चर को अपन डिस्क्राइब करेंगे। नया आपका ये इसका एक नया कैरेक्टरिस्टिक है। कम्युनिटी स्ट्रक्चर क्या होता है कि जो कम्युनिटी है उसमें मेन कंपोनेंट क्या है उसके स्ट्रक्चर में, है ना। तो किसी भी कम्युनिटी के मेन कंपोनेंट्स क्या होते हैं? प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स एंड डीकम्पोजर्स। ओके, कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ मेनली थ्री ग्रुप्स विच आर फंडामेंटल यूनिट्स ऑफ एन इकोसिस्टम। ये किसी भी इकोसिस्टम का फंडामेंटल यूनिट बनाते हैं। नंबर वन इज़ प्रोड्यूसर, यानी जो कि प्रोड्यूसर्स कौन होंगे? ऑटोट्रॉफ्स होंगे, ग्रीन प्लांट जो कि फोटोसिंथेसिस से अपना फूड खुद बनाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। प्रोड्यूसर्स इंक्लूड ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स, दैट इज द ग्रीन प्लांट्स विच सिंथेसाइज देयर फूड। These are of two types, rooted or large floating plants and minute floating plants, that is phytoplankton. These are in abundance in a community. एक community में producers की संख्या बहुत ज़्यादा होती है और ये autotrophs होते हैं और अपना food खुद बनाते हैं। Second कौन होंगे? Consumers. Consumers कौन होंगे? जो इन producers पे feed करेंगे। These include the heterotrophic organisms which consume the food produced by the producers. On the basis of feeding habits, consumers are subdivided into subgroups. Consumers भी फिर दो तरह के होंगे, एक होंगे herbivore या primary consumers और second होंगे carnivore या फिर secondary consumers. Primary consumers कौन से होंगे? जो direct producers को खाएंगे। और सेकेंडरी कंज्यूमर्स कौन होंगे? जो इन हर्बीवोर्स पे फीड करेंगे। जैसे हर्बीवोर्स और प्राइमरी कंज्यूमर्स, दीज डिपेंड अपॉन वेजिटेशन एंड फॉर्म द फूड फॉर सेकेंडरी कंज्यूमर्स। नाउ कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स, दीज डिपेंड ऑन द प्राइमरी कंज्यूमर्स, दैट इज फॉर एग्जाम्पल रैबिट विच इज अ हर्बीवोर, फॉर्म फूड ऑफ वुल्व्स। ओके, प्राइमरी कार्निवोर और सेकेंडरी कंज्यूमर्स वुल्व्स इन टर्न फॉर्म द फूड ऑफ लायन। लायन क्या हो गया? सेकेंडरी कार्निवोर हो गया। दीज कंस्टिट्यूट द फूड चेन। इस तरह से प्रोड्यूसर कंज्यूमर और डीकम्पोज, इस तरह से फूड चेन बनती जाती है। नाउ डीकम्पोजर्स, ये भी अपने इकोसिस्टम का, कम्युनिटी का लिविंग पार्ट होते हैं। Decomposers, these are also living components of the community. Mostly these are composed of microorganisms such as bacteria and fungi. These act on the dead bodies of producers. मतलब ये किस पे फीड करते हैं? जो producers या consumer की dead body होती है। These act on the dead bodies of producers and consumers and are responsible for breaking up complex materials into simple substances. The released usable nutrients material goes back into the system for use by the producers. इस तरह decomposers क्या करते हैं कि इसके dead body को decompose करके और न्यूट्रिएंट्स को फिर से मिट्टी में, सॉयल में भेज देते हैं, जिससे कि प्रोड्यूसर्स रीयूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन। कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन मतलब एक सेम कम्युनिटी में, फॉर एग्जांपल जैसे ग्रासलैंड है या फॉरेस्ट है, उसमें कैसे ऑर्गेनिजम्स का स्ट्रेटिफिकेशन होता है, लेयर होता है उसके अंदर। हर लेयर में अलग तरह के एनिमल्स पाए जाएंगे। बायोटिक कम्युनिटीज़ आर जनरली वर्टिकली अरेंज्ड और स्ट्रेटिफाइड। ठीक है, वर्टिकली ऊपर से नीचे की ओर, इस तरह से।
The term stratification refers to the arrangement of different animals and plants in different layers of the substratum and medium. Now, community stratification in terrestrial habitat. In some terrestrial communities, a complex stratification is present, but in others, the entire community consists mainly of one stratum. ठीक है? For example, community formed of lichens, which are often seen as encrusting forms. Lichen आप सभी जानते हैं, symbiosis में इसका example पढ़ा होगा. तो lichen में क्या आता है? Often seen as encrusting forms represent a non-layered community. शुरू में क्या है, ये एक non-layered community की तरह दिखती है, but in due course of time this one layered community may become complex. धीरे धीरे ये one layered community जो होती है वो complex होती जाती है when the higher growing mosses and herbs have become established. जब धीरे धीरे क्या होता है, mosses और herbs उसके आसपास पनप जाते हैं, तब ये complex होती जाती है. The number of habitats increases with the stratification, thereby reducing inter-specific competition and enabling a large number of species of organisms to utilize effectively the solar energy falling upon the area. इस तरह से क्या होता है कि एक ही कम्युनिटी में कई सारे हैबिटेट बन जाते हैं, नंबर ऑफ हैबिटेट इंक्रीज होता हो जाते हैं. इस स्ट्रेटिफिकेशन से क्या फ़ायदा है कि इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाता है, क्योंकि लेयर होने से हर स्पीशीज अलग लेयर में चली जाती है, तो इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन कम हो जाता है. और इससे क्या होता है, अ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स टू यूटिलाइज इफेक्टिवली द सोलर एनर्जी फॉलिंग अपॉन द एरिया. इस तरह से क्या होता है, लार्ज बहुत सारे एनिमल्स जो है उस पर्टिकुलर एरिया में जो सनलाइट आ रही है उसको प्रॉपरली यूज़ कर सकते हैं. ओके, द फॉलोइंग एग्जाम्पल्स कैन बी साइटेड इन सपोर्ट ऑफ द कंसेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन इन टेरेस्ट्रियल हैबिटेट. टेरेस्ट्रियल हैबिटेट का आप एग्जाम्पल देखिए, जैसे कि सपोज ग्रासलैंड कम्युनिटी. ग्रासलैंड कम्युनिटी में क्या होगा, इसमें भी तीन लेयर होंगे, एक तो जो इनकी रूट्स होगी नीचे, फिर उसके सतह पे, और फिर देन थोड़ा सा ऊपर. इन अ ग्रासलैंड कम्युनिटी थ्री स्ट्रेटा नेमली सबटेरेन फ्लोर एंड हर्बेशियस कैन बी रिकॉग्नाइज्ड. द सबटेरेन स्ट्रेटम कंटेन्स द रूट्स ऑफ द प्रिंसिपल वेजिटेशन एंड इज इनहेबिटेड बाय सॉयल बैक्टीरिया फंजाई एंड प्रोटोजोइंस एज वेल एज अर्थवर्म. यानी इसमें क्या होगा, सारे सॉइल के बैक्टीरिया फंजाई प्रोटोजोआ अर्थवर्म होंगे इसके अंदर, इंसेक्ट स्कॉर्पियंस स्नैक्स एंड रोडेंट्स, यानी जो मिट्टी एकदम सतह पर जुड़े हुए. द फ्लोर स्ट्रेटम ऑफ द ग्रासलैंड कम्युनिटी कंसिस्ट ऑफ बेसल पोर्शन ऑफ द वेजिटेशन इंक्लूडिंग रनर्स सकर्स एंड राइजोम्स ऑफ द ग्रास फैमिली. अमंग द एनिमल्स insects, spiders, lizards and rodents are prominent which join with the plants to form the floor stratum. तो animals के अंदर जो है floor stratum पर ये सब include हो जाएंगे. The topmost or the herbaceous stratum consists of the community of the upper part of the grasses and herbs. Thus the grassland presents various communities स्ट्रेटिफाइड वर्टिकली. यानी सिंपल जो अपन एक ग्रासलैंड देखते हैं उसमें भी तीन स्ट्रेटा पाए जाते हैं. नाउ फॉरेस्ट कम्युनिटी. अब फॉरेस्ट में स्ट्रेटिफिकेशन कैसे होगा, फॉरेस्ट तो बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स टाइप का इकोसिस्टम होता है और इसमें कई सारे लेयर्स बनते हैं. स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ लैंड कम्युनिटीज रीचेज द ग्रेटेस्ट कॉम्प्लेक्सिटी इन द फॉरेस्ट कम्युनिटी. In a rainforest, also three different strata are recognized. कौन कौन से three strata होंगे? Upper stratum formed of the branches and leaves of the tall trees.
मिडिल स्टेटम फॉर्म द श्रब्स एंड हर्ब्स एंड द लोअर मोस्ट स्टेटम फॉर्म द फॉरेस्ट फ्लोर. ओके, ईच स्टेटम हैज इट्स ओन फौना. द अपर स्टेटम इज इनहेबिटेड बाय लिजर्ड्स, ट्री फॉग, ट्री स्नेक्स, बर्ड्स एंड आर्बोरियल मैमल्स. द मिडिल स्टेटम बाय स्पाइडर्स and plants eating insects, and the forest floor by the leeches, earthworms, insects, protozoans and bacteria. इस तरह से इन तीनों स्टेटम में अलग अलग तरह के एनिमल्स होंगे कि ऊपर वाले में लिजर्ड, ट्री फ्रॉग, स्नेक होंगे, ठीक है ना, मिडल में स्पाइडर और प्लांट ईटिंग इंसेक्ट्स होंगे, और जो फॉरेस्ट का फ्लोर होगा उसमें क्या होगा, लीचेज, अर्थवर्म, इंसेक्ट्स और प्रोटोजोन्स बैक्टीरिया होंगे. तो ये आपके कम्युनिटी स्ट्रेटिफिकेशन है टेरेस्ट्रियल हैबिटेट में, जिसमें कि अपन ने ग्रासलैंड कम्युनिटी का और फॉरेस्ट कम्युनिटी का एग्जांपल बताया है. ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में अपन नेक्स्ट दूसरा एक्वाटिक मीडियम का स्ट्रेटिफिकेशन करेंगे. ओके, थैंक यू.